पढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्तान और गर्दनवाह में आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ के बायस पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मैच रोक दिया गया है। एम्पायर्स ने तूफान के बायस मैच रुकवा दिया। दोनों टीमें वापस पवेलियंस लौट गई हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुल्तान में तीसरा वनडे खेला जा रहा था, जो कि अब आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ के बायस इसको रोक दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे माजन यूसुफ से, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, मुल्तान और गर्दनवाह में तेज तूफानी आंधी के बायस मैच को आरजी तौर पर रोक दिया गया है। तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का तीसरा मैच जारी था और अभी मैच को अंपायर्स ने रोका हुआ है। फील्ड अंपायर्स जो है वो स्टेडियम में ग्राउंड में ही मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं मौसम का। अभी सबको ये जाहिर की जा रही है तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट मजीद और लग सकते हैं। आंधी जो है वो अभी जब रुकेगी तो उसके बाद जो है दोबारा मैच को शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी स्टेडियम में ताहाल 20 मिनट के करीब होने वाला गया है और अभी मैच रुका हुआ है। ठीक है, अभी मैच रोका गया है मौसम की सूरत हाल को देखने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।